बॉम्बे में जो आदमी बॉम्बे में आता है उसका वो ड्रीम के लिए आता है, मगर उसमें बहुत मेहनत लगता है, और मेहनत सही ढंग से हो जाएगा तो वो 100% टॉप पे जाएगा, मगर उसके अंदर बहुत मेहनत लगता है। मैं जब भी कॉलेज जाता था तभी मेरे को कपड़े का बहुत शौक़ था, पहनने का। तो वो टाइम मेरा फादर टेक्सटाइल मार्केट में था, तो मेरे को टेक्सटाइल का इंटरेस्ट था, तो मैं शर्ट पीस पैंट पीस लेके आता था और सेल करता था। मेरी चॉइस लोगों को पसंद थी, और वो टाइम मैंने ये सोचा कि इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। गारमेंट में आने के बाद उधर सीख रहा था, अचानक 2-3 मंथ के बाद फादर एक्सपायर हो गया अचानक। तो फिर मेरे को उधर वर्क करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फैमिली में मेरे उधर बहुत वो था। मेरी दो सिस्टर 13 ईयर 15 ईयर्स दो सिस्टर था, मेरा ब्रदर कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मेरा पूरा घर का वो रहा। तो फिर मैं गारमेंट में मेहनत का सबसे गारमेंट शॉप के हिसाब से चालू किया। उसमें बहुत एक साल तक मैंने काम किया, उधर अच्छा सेल मेरा होने लगा, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं खुद का फैक्ट्री करूं। और तभी मेरे पास एक तिलक भवन, दादर में तिलक भवन है, तिलक भवन के सामने एक जगह मिला मेरे को 8x10 का। उधर एक छोटा सा जगह में मैंने 2 मशीन के साथ उधर फैक्ट्री स्टार्ट किया। हमने जब सोचा कि अभी हमारा जो सिटी शर्ट है उसको एक्सपांड करना चाहिए, कि 89 में CMI जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का एक गारमेंट फेयर था बॉम्बे में, तो वहाँ हम लोग पार्टिसिपेंट थे। वो पार्टिसिपेंट में एक जयपुर का जो कस्टमर था, वो उसका रामसंस करके दुकान चलता था, उसने हमको ऑफर दिया कि हमको पूरा सिटी शर्ट का एक्सक्लूसिव शोरूम बनाना है। तो हम लोग ने उसको फ्रेंचाइजी दिया। उसके बाद ओपनिंग का टाइमिंग था, तो सडनली उसका एक दिन फ़ोन आया कि कल सुबह में ओपनिंग है और अमिताभ बच्चन ओपन कर रहा है। जब पब्लिक को मालूम पड़ा और इतना भीड़ भाड़ हो गया कि पूछो मत। और उसके बाद वो भी हमको एक गुडविल मिल गया और हमारा बिजनेस आगे आगे बढ़ते गया। तो हम लोग फेडरल बैंक में 88 में ओपन किया अकाउंट, और वो टाइम एन मोहन करके फेडरल बैंक का मैनेजर था, तो उसके साथ सब रिलेशन होने के बाद उन्होंने हमको बोला कि आपको एक्सपेंड करना है तो फेडरल बैंक आपको लोन दे सकता है। तो हम लोग ने फर्स्ट टाइम लोन फेडरल बैंक से लिया। हमारा जो ड्रीम था, जो इतना साल का 37 ईयर का जो हमारा मेहनत था, वो अभी पूरा एम्पायर होके देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर हमको सपोर्ट भी जो फेडरल बैंक का मिला, वो भी बहुत, ये हमारा ड्रीम के साथ उसका भी बहुत बड़ा हाथ है।